हेलो इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी इन दिस इज डॉक्टर सुलंगी इन अ न्यू सेटअप विद दिस मैन दानियाल शहजाद आज हम क्या कर रहे हैं आज हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये हु द हेल इज दानियाल शहजाद हु आर यू प्लीज डिस्फाइंड योर सेल्फ सो माय नेम इज दानियाल शहजाद एंड आई केम टू टू पाकिस्तान इन 2011 ठीक है दैट्स योर क्लेम फेम या मैं आया था पाकिस्तान ठीक है फिर क्या हुआ तो ये हुआ कि आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस फाइनेंस

okay. Yeah. थोड़े पैसे वैसे बना लो तो ये हुआ कि एक दिन कॉल आ गई दिस डायरेक्टर कॉल जामी हाँ yeah. जामी साहब की कॉल आई एंड दे वर डूइंग हिज फर्स्ट फिल्म इट वाज कॉल डाउनवर्ड डॉग उस पर बुला लिया था एज एन इंटर्न तो, तो वह वहाँ तो पे अंडर डॉग इन डाउनवर्ड डॉग आई गेस या सही है सो so, वहाँ से मतलब इट बिगैन

फिर फायर ट्रक्स बुलाएंगे वो किया अच्छा मजा आता उसके ऊपर इसके अलावा जो इतनी सारी तुम्हारी कहानियाँ वो क्या है वो मतलब ये कहानियां तो सुनने के लिए बुलाता तुमको सोचना पड़ेगा ये क्या बात है अच्छा पड़ेगा मुझे में सोचने के क्या मुझे कभी कुछ हॉरर मिला नहीं यहाँ पर पिशावर वाली कहानी सुनाओ मुझे तो पहले हॉस्टल वाली पहले तो हाँ पहले मैं वो बताता हूँ नहीं नहीं सो यू नोसल खैमा रसल खैमा तो हम लोग हाँ प्लान वहाँ था वहाँ जाने का दिस पैलेस एज वेल तो हमने प्लान किया था तो गाइस यूनिवर्सिटी में प्लान हुआ यू नो विल गो हंट करेंगे हाँ। प्रॉपर तैयारी के साथ ठीक है एंड ऑफ द डे चार लोग गए फोर इडियट्स हाँ, हाँ, तो हम लोग पावर रेंजर्स पहुँच गए गाड़ी वाड़ी सेट की हम लोग और गए भी हम लोग रात को लाइफ में डेंजर होना चाहिए एग्जैक्टली एक्साइटमेंट तो फिर हम लोग गए अच्छा इट वो सो फिल्मी एक रात का टाइम आप ग्यारह बजे आप जा रहे हैं करते हुए सामने ना पहले ग्रेव यार्ड आया ठीक ओके वेरी फिल्मी करते 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 एक एक शॉप आई बीच में वो भी वो चाय वाली दुकान हाँ। जो होती है मल्लू चाय यस तो ऐसा मलबारी बाहर आया एंड वी आस्ट एम वी यार कासमिया पैलेस किधर है एंड लाइक इज लाइक कासमिया पैलेस क्या है सीधा जाओ आगे से टनल आएगा पहुंच जाओ हम लोग अच्छा टिपिकल वही सीन लाइक देर इज एक्न यू क्रॉस पिच ब्लैक यू जाते हैं फिर यू गो अपल ठीक है होते होते यू स्टार्ट सींग दैलेस प्रॉपर रिव्यूल हो रहा न, vampire, का कासिल की तरह. सही है like, okay. <laughs> <laughs> okay. पहुंच गए वहाँ पे हम लोग अच्छा व्हेन वी एंटर्ड उसकी सिर्फ जो एंट्रेंस है इट्स लाइक like, कितना बताऊँ मैं एग्जाम्पल कह चीज का ह्यूज एंट्रेंस सही है उसके बाद आगे जाते हैं आप वॉक करते करते जाएं तो आगे उसका गेट आता ठीक है अब हम ठहरे पाकिस्तानी हाँ। हम लोग क्या चल चल रहा रहा है है खोलने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ कर रहे अचानक से बंदा भागता हुआ हमारे पास सुपर इजिप्शियन डूड दैट हाउस हम एक डूट शोरमा खाना है क्या क्या हो गया हाँ तो उसने बोला कि तुम लोग इडियट्स हो यहाँ पे सुबह ग्यारह बजे टूर होता या, वो तो तो सही तो सही है रात के साढ़े बारह हो रहा है जी बिल्कुल सही क्या, हाँ। क्या कर रहे हो हाँ। तो आपका हम लोग यार अब तो आ गए हैं हमने अपना रोना धोया कि यार अब आ गए तो पेट्रोल भी लगा लिया और दुबई से रसल ब्रसमा क्या पेट्रोल भी लगा लिया गरीब माड़ू हैं तो उसने बोला कि उसने बोला कि यार चलो इफ़ यू यूजर नाउ इफ यू सी समथिंग सम्मीन बजे वापस आओ अच्छा ये अल्लाह ओके तो हम लोग गाड़ी में बैठे निकल गए वही खाने पीने के निकल गए हम लोग तीन बजे सदा के फार अगले दिन छुट्टी तो हमें कहा चलो वापस चलते हैं हम लोग है। गए वो भी सर पकड़ के बैठे वापस आ, आ गए हाँ। अच्छा हम लोग गए अब वहाँ पे आई डोंट नो इफ दिस दिसर नेचुरल आई डोंट नो इफ इट वाज रेग आई फील लाइक इट वाज रिग्ड उसने हमें बोला कि पैलेस के पीछे जाओ वी वेंट बिहाइंड द पैलेस ठीक है अच्छा अब उसने कहा अपने जीप के ऊपर बैठ जाओ जो करना करो हम लोग बैठ गए सो विद इन लाइक टेन फिफ्टीन मिनट्स वी हर्ड फोट स्टेप्स वो कहाँ से वो पैलेस की छत से सही है बहुत सारे फोट स्टेप्स एंड वी लाइक यू नो रैंडम हम ऊपर से तो हमें हंसने की आवाज़ें आई बातों करने की आवाज़ें वो बच्चों की आवाज़ें ओके एंड देन ही गोज़ लाइक ही इज लाइक बुलाओ उनको एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसी वक्त उसने मतलब सोचा भी नहीं लाइक like, <laughs> करके सीटी मार दी एंड देट केड विच सो हेड ओवर यू नो यू के नीचे झाँक उसने एंड ही कॉल्ड माई फ्रेंड बाय इज़ नेम

गाए बच्चे छत पे खड़े हुए उसको वहाँ से लगाते थे तो yeah. ये तो वहां का एक खासा था मतलब उसके yes. उसके बाद nice. बाद यही हुआ कि इतना कुछ खास तो तो मतलब वो मेन अट्रैक्शन थी वहां की okay, तो बच्चे। mm -hmm. गाड़ी में बैठे भरा था जजीरा हमरा चलो अच्छा जजीरा हमरा एज यू नो इट्स इतने पुराने घर के अंदर ट्रीज निकले हुए तो so we भी टिपिकल मतलब अब हम लोग गलियों में घुस रहे तो वो टिपिकल होवाजें दरवाजे हिल रहे। सीन ऑन है यहाँ पे गए अंदर घूमते 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 एंड अच्छा वहाँ बाहर निकले हॉरर तो नहीं मिला थोड़ी देर बाद लुंगिया टंगी भी देखी We like, you know yes. like, इससे तो बचने के लिए यहाँ आए थे एक्सपीरियंस खराब हो गया तुम्हारा भाई उसने स्टोरी सुनाई बंदे ने अच्छा ये like him, we like, सीन बताओ हाँ यू गाई सेंग दिस प्लेस इज व उसने बताया कि जब

उस लेवल का। घर hmm, uh, like दे right? yeah, like देखे मट्टी के बने हुए तो, तो उसकी वजह से फिर ये जगह खाली रह गई और फिर इसमें आहिस्ता इस आहिस्ता इस दूसरी आबादी आ गई खुद hmm. से क्योंकि होता यही कि जो जगह छोड़ दो ना तो उसको काफी कुछ ऐसे के बाद मामला शुरू हो जाता है तो वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं और मैंने ख़ुद जो विटनेस किया था एक स्टूपेड इंसिडेंट की वजह से वहीं वहीं पर? वही पर वो बताया था ना वो कोई साहब साहिबा ले कर चले गए थे वहाँ पर कि बस यहाँ थोड़ी देर मैंने कहा थोड़ी देर क्या ये कोई जगह है थोड़ी देर वाली <laughs> तो खैर वो लिटरली बाहर घोपन दे रहा था उनकी गाड़ी की लाइटों से सिर्फ नज़र आ रहा था तो वहाँ पे मूवमेंट की आवाज़ आ रही थी ऐसे लोग टहल रहे हैं जबकि कोई था नहीं हुआ सीन वही था जब हम एंटर हुए तो शुरू शुरू में दुकान घरों में लोग वही लुंगियाँ लड़की हुई हैं सब कुछ चल रहा था और आगे चले गए थे मज़ीद तो एक सर्कल सा आता है उसके बाद मज़ीद पतली गलियाँ जाती हैं गाड़ियाँ उससे आगे नहीं जा सकती बस yes. उस पॉइंट पर ये हुआ था तो उस पॉइंट पर मैंने बोला था भाई मैं तो जा रहा हूँ तुम लोग ने जो करना है यहाँ करो भाड़ में जाओ तो वो मुझे वापस मुझे छोड़ने के चक्कर में वाजे निकल गए अच्छा हम लोगों को तो एंड रिजल्ट यही निकला था लाइक वीर एक्चुअली कैप्चर एनीथिंग

वट ड अबाउट इज रियल वेचिंग आवर एक तो पहले तय ही नहीं होता कोई बोलता बारह बजे कोई बोलता है तीन बजे वहीज इट लाइक देर तीन बजे कुछ ऐसा सीन है। सर्टन टाइमिंग इन इस्लाम जहाँ पर जैसे मगरब माता है और इसी तरीके से अलग अलग दोपहर के कुछ टाइम्स हैं जहाँ पर बोला जाता है कि जन्त वगैरह निकल के एक्टिविटीज करते हैं तो उस टाइम पर आप करें तो शायद इस चीज़ को रेफर करते हैं पास्ट कल्चर्स uh, एंड में एज विचिंग आवर हमारे यहाँ तो टाइम वो थोड़ा फिक्स है उनके यहाँ मुझे अभी तक समझ में नहीं आया बारह बजे होता है किसी का तीन <laughs> बजे होता है किसी का कुछ होता है लेकिन जनरली वियर्ड हरकतें तीन बजे ही होती है तीन बजे होती है ना क्योंकि इनका भी तीन बजे ही हुआ था एंड लाइक लाइक आई आई थिंक थर्ड और फोर्थ फ्लोर डोंट नो तो वो बैठे अपनी पढ़ाइया कर रहे और ये जो होता है रोशनदान तो रात को तीन बजे करीब रोशनदान के ऊपर एक बंप करके बैंग हुआ एंड देर लाइक यू नो कोई लड़के होंगे पत्थर मार रहे होंगे वहाँ सारे रोमियोज घूम रहे hmm. होता है, yes. course, तो उन्होंने सोचा कोई, कोई होगा हो मगर कोई नहीं था सो so, दो तीन दफा हुआ एंड देर लाइक यू नो ये कुछ ज्यादा हो रहा है नॉर्मल हेड हेड ऑफ अ फीमेल और वो अंदर झांक रही है और वो सर उड़ता है एंड ग्लास एंड बेसिकली ट्राइंग टू से माई स्कल वो मुझे वापस करो hmm. तो उसके बाद यही हुआ चिकच्छ ला के सारे बेहोश हो गए hmm. अगले दिन उठे गार्ड आए ये और वहाँ की काफ़ी स्टोरीज हैं चित्राल सो आई मेट दर

जा रहे उनको दूर से एक लाइट नजर आई एंड लाइक तो वहां पर गए एंड जब करीब जाते जाते गए लेडी एंड ओल्ड लेडी around like ऑलमोस्ट 90 years ओल्ड hmm. वो एक लाल टन लेकर खड़ी हुई है अंकल की ऑब्वियसली थोड़े से टाइट हो गई हवा उन्होंने कहा क्या सीना And then what he did, he felt that this is something else. This is not human. Ah. Look at the time, look at the place. He was like, I the jeep. He I the jeep, hai, jeep broke there. At that time, to uncle was So what happened is that he looked in the mirror and that lady was like walking towards his jeep. And he's like, I'm dead. She came and then she starts looking inside. And he's like, her eyes cataract. She was

और फिर ये हुआ कि जीप स्टार्ट की और वो अंदर जाने लगे माउंटेन्स में और ही इज़ लाइक आई नेवर बिन टू दैट एरिया बिफोर ठीक है वो अंदर जाते 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 जाते, जाते गए कह थोड़ी देर मुझे और लालटेन नज़र आना शुरू होगा गया और कहता है बस वहाँ जाके उसने रोका नीचे उतरिए आगे गई तो छोटे छोटे बच्चे वो आके ना उससे ही लपट गए उनकी दादी एंड देन ही इज़ लाइक आई रिगेन कंट्रोल अगेन कहता मैं जीप घुमाई भागा वहाँ से आई सी देम लाइक यू नो ऑन द माउंटेन लेट करते हुए ना एक पूरा ट्रेल जा रहा है लाइट्स का सो बेसिकली आंटी करीम डैम करीम सर्विस सुपर yes. बेसरल uh, करीम सर चित्राल, चित्राल करीम चित्राल करीम ऐसी एक स्टोरी मेरी ओमान के ऊपर आई थी वो ये था कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स ओमान में कोई बीच है जो कि पहाड़ के रस्ते से उतरते हैं तो वो आता है मुझे एग्जैक्ट लगे याद ही नहीं है पुरानी स्टोरी है वो उसमें वो जो बता रही थी वो गाड़ी चला रही थी कि वो रस्ते में जब वापस जा रहे थे ना तो, तो अंधेरा हो गया था और पहाड़ी यू नो ओमान तो सन्नाटा भी है काफ़ी तो वो उस साइड से निकल रही थी तो रस्ते में एक जगह लाइट पड़ी तो उन्होंने एक बड़ी भी को देखा जो पैदल चल रही थी जिस तरह तुमने बताया ना वैसा तो बट नेगेट तो नहीं था लेकिन कुछ सीन ऑफ सा ही था जीप सा कुछ उलिया था इनको उन पर तरस आ गया क्योंकि वो इतनी झुकी झुकी हुई थी उनको लगा कि ये कोई गांव वाली हैं और अंधेरे में कहीं जा रही हैं तो हम इनको उतार देंगे आगे ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर मान से मतलब ज़माने से रहे हैं तो मतलब लोकल्स की तरह है वो तो वो उनके पास चली अब वहाँ जा के तो इनने उसको मतलब पहले आवाज़ मतलब हॉर्न दी लाइट वाइट मारी उसने रिस्पोंड नहीं किया तो उसके बराबर में गाड़ी ला के उन्हें शीशा उतारने लगी उनको कुछ कहने के लिए तो बड़ी भी एकदम से पलटी और उसका हाथ पकड़ लिया मतलब उसको लिटरली गाड़ी से बाहर खींचने लगी बाकी लड़कियां जो बैठी थी उन्हें भी चीखना पीटना शुरू कर दिया बिकॉज अपेरेंटली बिल्ली जैसी आंखें थी उन बड़ी भी की जो कि दूर से उन्होंने देखी नहीं क्योंकि उनकी तरफ देख नहीं रही थी अब करीब आई तो फिर ये खेचम तानी के अंदर उन लोगों ने फिर बस गाड़ी भगा के किसी तरीके से बड़ी बी से धक्का मतलब गाड़ी से पुश कर करके जान छुड़ाई और तो भागे वहाँ से जब पलटे तो कह रहे हैं कि वो बड़ी भी तो गायब हो चुकी थी हाथ पे अलबत्ता नील का उनके ठीक ठाक निशान पड़ा हुआ था तो वो मतलब प्रूफ तो था प्रूफ मतलब कि कुछ हुआ हाँ। था अदरवाइज बड़ा वियर्ड सी स्टोरी थी है। तो ये ओमान में ओमान इज क्विट फेमस फॉर दिस

हां तो खजूर पावर हाँ तो इकोनॉमी के अगेंस्ट जा रही थी ना बात वो गए तो मसला है ऑयल बेस्ड यस एंड दैट्स व्हाट प्रॉब्लम है ये बेचारा <laughs> <laughs> तो और क्या और क्या सुनाओगे तुम आज अपार्ट फ्रॉम horror स्टोरीज yes there's not too much happening बस काम why, काँन why, काँन why are you so desperate i'm not desperate about anything i'm just i became a workaholic basically hey Why yeah, did you okay. become a workaholic? first first of all, the uh, the field that I I I I found was pretty mm. fun. Uh. The people I fun. people met were would rather like uh, at first I used to do SFX. उसमें खून खराब हुआ काटना पीटना prosthetic makeup, ये सारी चीज़ें It's not that I've stopped. ये है कि कोई काम का प्रोजेक्ट आए combined आई डू इट बट देन आई कम्बाइंड वी एफ एक्स do that? बिकॉज नंबर वन I needed something to do like you know where I needed brains. आई hmm. No, I'm not offending any SFX artists. uh हाँ हाँ उन्होंने क्या वी एफ में ज़्यादा दिमाग लगता ठीक है एंड आई नीडेड दैट तो वो किया मैंने ऊपर से मुझे शौक था इस तरह से मैं इंटीग्रेट करूँ उन चीज़ों को तो उसमें ये होता है कि it takes a long time. तो मुझे एक आदत लग गई कि like you know 16, 17 hours बैठ के आप एक शॉट पे काम कर रहे हैं जबकि अभी sci-fi film project Ghazi. ट वर्ल्ड कुछ मसले हो गए थे फाइनेंशियल उसके ऊपर अपार्ट फ्राम दैट उसकी प्रोडक्शन उसमें जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइज ये वो सारी चीज़ें तो आई टू बी बिजी इन दैट वेपन्स डिज़ाइन कर रहे हैं साइफाई चीज़ें तो साइफाई इज द थिंग तो तुम्हारा बैटमैन का सूट कहाँ गया आई हैव टू शूट इट गेट तो उसका बस ये है कि मुझे एक दफ़ा जगह मिल जाए प्रॉपर और उसके लिए मुझे थोड़े से एक्टर्स भी चाहिए तो वो शूट करना अपार्ट फ्राम दैट

उस टाइम मेरा ये सीन था कि दिन मैं शरीफ होकर बैठे हूँ बिजनेस बिजनेस वॉल स्ट्रीट रात को बैठ में रात को कॉल आती थी आई वॉज डूंग दिस मूवी कॉल ऑपरेशन जीरो टू वन अजान समी जेबा उख्तार उनके साथ तो सुबह को वो रात को वहाँ पर प्रॉपर खून ख़राब हुआ एक्सप्लोजन चल रही हैं गोलियाँ चल रही हैं डा डा आई डिड दैट फॉर फाइव डेज कंजिवली लाइक ओ आई एम अनबीटेबल पाँच दिन बाद थक बुखार <laughs> पड़े हुए हॉस्पिटल के अंदर ड्रिप लगा कर डॉक्टर कहते बेटा सोया करो हम लेकर यार

तो so, हम दोनों ने मिल के किया जट पर पे मार्ट पेंटिंग्स ये वो जितने गाँव वाँव में सारे हमने हैंड पेंट किए थे तो ये सारी चीज़ें वेरी गुड तुमने तो yes. उसके? चुलाणी चुलाणी भी डिज़ाइन किया था थी कुल्हाड़ी पे तो इतना काम नहीं किया था इस पर वी एफ मोस्टली किया था फॉर प्रोजेक्ट गाजी उस पर मैंने प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स वेपन्स मास्क और फिर डिफरेंट तरह के मास्क कि अब जैसे आपको एक्शन सीकुनस है अदनान जाफ़र अदनान जाफ़र ह्यूज हाँ तो ये था कि तो पहली चीज़ मास्क फिट कैसे होना सेकंड चीज़ स्टंट के दौरान अगर मुंह पे चोट लगे एंड इफ इट्स अ फाइबर ग्लास मास्क अंदर से वो चुपता है इफ इट्स अनदर प्लास्टिक मास्क वो टूट जाएगा वो मुँह में घुस जाएगा सो hmm. दैन so मैंने उसी के सेम रेपले का सिलीकोन में बनाया विच लुक्स लाइक इट्स हार्ड सर्फेस बट इट लग सुपर सॉफ्ट अब वो एक्सपेरिमेंटेशन में सारी सही रातें लग जाती थी कि कैसे करें इसको Obviously, हाथ से कब करने में काम मत मजा आता। And then हाँचे. it has to look the same. Yeah, yeah. So, अगर वो मेटल का बना है तो ये रबर है but has to look like that. That is the art. Yep. अगर ये नहीं होगा तो फायदा कुछ नहीं है ना। I get no love for that. Why are you deprived of love? I don't know. Why? वो कौन सा गाना था? I'm I a man know. of. <laughs> I am a man of constant sorrows। Of constant sorrows. Soggy bottom boys. Yeah, am still getting used to Pakistan. मतलब अभी ये है. दोनों

उसने बैठ के पता नहीं कहाँ निकल गए बीच समंदर में लांज में लांज में वो पीछे बेचारा हमारा बलोच जो था वो चला रहा था मुंह में गुटगा डाल कर एक साहब को उसने बोला जगह बड़ी मुश्किल ऐसे करके रोड पीछे किया उस बलोच के मुंह पे कोनी पड़ी वो सीधा <laughs> पानी में गया और हम खाली बगैर बलोच किया <laughs> और जा रहे हैं उसको बड़ी मुश्किल से बंद करो पता नहीं कहा जा रहे हैं और नाइट में फिर पता नहीं क्या होता अगर ये दिन में अपनी किया था गोड जिला आ जाता पकड़ हाँ पर वो बोर्ड बंद करके हम बैठे रहे काफ़ी देर के बाद वो कहाँ गया वो मर तो नहीं गया ये तो नहीं हो गया पर पानी में से दो हाथ निकले अच्छा ओके फिर उसके फ्रॉम द ब्लैक लगो मेरा उसने मुंह निकाला बाहर पहले घुटका थूका जो गालियाँ दिए चलो वापस कोई कुछ नहीं करेगा तो बेचारे की थोड़ी सी हाँ तो सर जी आते मुँह पे कोनी पड़ गई पानी में फेंक दिया उसको छोड़ के पत्नी कहाँ निकल गए वो तो शुक्र है कि पाँच मिनट में हमने मोटर बंद कर ली किसी तरीके से वरना तो पता नहीं कहाँ चले आते दिस इज लाइक हॉक्स बे वाला सी और दिस इज लाइक डीप वाटर किए माड़ी से गए थे भाई लाइफ ऑफ पाए चल रहा जी जी लाइफ ऑफ पत्नी कौन सा पाए था उसके बाद नहीं जाता Just once, yeah. Try it once. बेटर बोट विद बेटर टेक्निक मैं बता रहा हूँ सब तुम्हें हाँ दुबई में बहुत फिशिंग की है दुबई था ये दुबई नहीं है वहाँ पे वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे इट वॉज अप्रोचेबल यूट नीड टू प्लान आउट यार इस दिन हम ये बुक करेंगे इतने इतने पैसे डालने शनाख्ती कार्ड ये वो शादी के सर्टिफिकेट में गए मछली पकड़ना चाह रहा हूँ कैसे वहाँ पे देखिए वहाँ पे अपना कौन सा माइल यूर इन चार्ज यस एग्जैक्टली मल्लू पार्टी सो रही होती सारी देर इज दिस प्लेस कॉल्ड मामजर पार्क मामजर के साथ ही जो है सारा इट्स कॉल्ड खालिद लगून वहाँ जाते थे एवरी थर्सडे यू सुपर अप्रोचेबल यू यू जस्ट वॉक देयर कोई वो पंगा नहीं है यार वो एक अलग दुनिया है साफ सुथरा पानी द सी लाइफ इज लाइक मैजिकल ओवर देयर ब्लू कलर के जेलीफिश दिख रही है लाइक like, यार ऑन तो इसलिए ये शौक और आदत जो है वहाँ से लगी है यूज़ टू गो खैमा यस आई स्टिलफुकान जाते थे वो तो ये भाई अच्छी जगह वहाँ जाते थे हम लोग तो ये है ना इसलिए क्या ठीक है। खैर है ना तो यहाँ भी तो एडवेंचर है एडवेंचर यहाँ भी तुम एक्सप्लोर करो एक और मारा नहीं जा सक रहा खैर वो एक अलग प्रॉब्लम है एग्जैक्टली <laughs> exactly. तो आई डू वांट टू गो टू हिंगोल दो रास्ते में पड़ेगा और हमारा के यू बीन टू हिंगोल या लाइक इनसाइड इनसाइड नॉट इनसाइड इनसाइड ओके ठीक है उधर से गुजरा है उधर देखा है बिकॉज़ दैट्स वन ऑफ आवर मेन लोकेशंस आई थिंक अभी वन ऑफ आवर फिल्म्स आफ्टर द शॉर्ट फिल्म्स वो हम वहां करेंगे मोस्ट लाइकली हिंगोल

नहीं नहीं, नहीं काका ओ काकासेव से से काका साहब हाँ, हाँ, बेसिकली हाँ, ना उसको सेव बोलते सो इट्स अ श्राइन एंड इट्स बेस्ड इन नुशारा ठीक है नुशारा so, में माउंटेन एरियाज में है वो तो वहाँ पे ये है कि इट्स हब ऑफ एग्जर्सीजम्स एक तो काकासेव है हां एंड देन देयर इज अनदर वन कॉल्ड पेट्रियाटा वो तो जेरिफ टाइवान तो नो फेमस है फेमस like वहां पे सारे आ रहे होते हैं द पावर ऑफ क्राइस्ट कंपेलसिव ये और होता है वहाँ पर hmm. तो गया ऑब्वियसली जाना तो था कीड़ा तो था हाँ तो हम पहुँच गए वहाँ पे क्यों पहुँचे वैसे एक सवाल है आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट वाई नथिंग मच नेटफ्लिक्स तो कुछ अच्छा नहीं आ रहा इसलिए आई लाइक यू नो गो इसलिए ठीक तो है तो वहाँ पे हुआ है कि पहुँचे वहाँ पेउंड फोर पी एम समथिंग काफ़ी लंबा रास्ता अच्छा तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद ये ईदी के एम्बुलेंसेज आए हुई थे उसमें से पेशेंट्स निकाल रहे थे Like, गवर्नमेंट एम्बुलेंस वो अंदर से जब उन्होंने निकाले लोग तो वो सारे हुई है। हैं और हाथ वात ट्विस्ट हो कुछ लोग तो बिल्कुल फ्रीज होते आँखें ऊपर गई हुई विंडोज एरर आया हुआ था उनका वो आया हुआ था तो उनको ले गए लोग अंदर अब माई कजन शी वॉज ऑल्सो लाइको चलो तुम भी हो वही मुझे लेके गई वहाँ पे उसके बाद हम लोग खड़े हुए हमारे सामने टोलवी ओल्ड केट उसको पूरा गंजा किया हुआ क्योंकि कहते हैं हमने बाल वाल खींचता था सब करता था इज टू बाइट पीपल इन स्टफ़ उसको पूरा बांधा हुआ था अच्छा और उसके ऑफिस टकलू भी गया हुआ था उसको एंड देन वही डज कि यू लेटा हुआ है एंड ऑल ओवर सडन ही टेक्स आउट दिस साउंड वॉज अ वेरी गटरल वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साउंड वो, वो मुझे लगा था क्या ये तो लेजेट किसी और की आवाज़ है ही डज लाइक यू नो करके आवाज़ निकाली एंड देन ही टर्न्स एंड ही लुक्स एट माय थक करके डायरेक्ट आई कांटेक्ट वो मेरे पीछे जाए खड़े होकर मुझे टुटकियाँ काट रही है चलो यहाँ से चलो मैं कर, तो लाए थे यहाँ पे अब लेट मी वॉच दिस अच्छा दोज किड्स दो लकड़ी मार के चेक करते हैं डू समथिंग इतना कोई ख़ास किया नहीं उसने फिर फिर उसको उठा के ले गए अंदर आई वेंट इन अब वहाँ पे ये देर डिफरेंट रूम्स एंड एवरी रूम हैज लाइक टू टू थ्री ग्रेव्स इन साइड कब्रे अंदर यस और लंबी लंबी खबरें लाइक यू नो तो एनशंट ग्रेव्स सही है दस ग्यारह फीट की कबरें तो मैं रूम से आके चेक कर रहा हूँ कि क्या सीन है क्या सीन है एंड देन आई ओपन वन रूम तो एक भाई पैकोज चल रहा था एंड देन द टेल्स गीज लाइक हिज लाइक आप एक मिनट पहले आते ना आइए इधर हवा में था रोड ओके मिस कर गया अच्छा वहाँ से निकला घूमते फिरते द प्लेस इज वेरी इफ़ यू आर इन फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दैट्स दैट आई मीन क्रीपी कोई सीन नहीं उसका hmm. तो वहाँ पे उधर गए दो तीन रूम्स मैंने चेक किया कुछ में देखा फीमेल्स तो वहाँ पे नहीं घुसने दे रहे थे क्योंकि वो इंटेंस चीख चल्लाने की वाजें आई थी इट्स वेरी स्केरी लाइक यू नो इन दैट सेंस हम लोगों को तो ये हमें आदत हुई यू सीन द वर्ल्ड बहुत सारे कचरे देखे हमने बट लाइक फॉर अ लेमन इट्स अ बैड एक्सपीरियंस वो ट्रामोटाइज होकर जाएगा वहाँ से

लगाओ के ये तो सीन ऑन हो गया तो दे दुक मी टू अ रूम दरवाजा बंद कर दिया अंदर तीन कब्रें मुझे कहा आप अंदर बैठ जाओ अंदर जाके बैठ गया उसने दरवाज़ा बंद कर दिया नाव द थिंग इज़ इट वॉज कोल्ड अंदर तो मैं और रिलैक्स हो गया मैं गया कि तो ऑन है अच्छा मैं बैठा हुआ अब वो फिल्म में करें तो फिर ऑब्वियसली दिमाग में चीज़ें आती वो तीन ग्रेव्स रखी हुई अब मैं एंगल बना रहा हूँ ना फ़ोन निकाल के मैं फोटोग्राफी शुरू कर दी वहाँ पर सो आई वॉज लाइक आई एज वेरिंग ऑल ब्लैक जैसे अभी पहना हुआ बैठ के ना उसकी वीडियोज़ बना रहा हूँ ऑल ऑफ सडन उन्होंने एक फैमिली को अंदर भेजा अगर उन्होंने उनके किसी हस्बैंड या बच्चे पर एक्सरसिज्म तो करना था तो उनको भी अंदर भेज दिया वो तीनों चलते हुए अंदर आ रहे हैं मैं यूँ बैठा हूँ गोलम की तरह लुक अपेट दम अच्छा वो सोच रहे हैं कि आई एम प्रजेस्ट अच्छा <laughs> अब मैं खड़ा हुआ तो वो अंकल यू कर बीवी बच्चों को लगी पीछे हो रहा है मैं करीब आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा

वो पीछे बैठक लगती थी सारी पार्टी के साथ पैसे फिर पास थे नहीं मैंने बोला यार में मैं ज़रा ए से आ रहा हूँ मैं वहाँ निकला देखा भी नहीं ना अंदर कौन है वो जैसे दरवाज़ा खोला अंदर घुस गया और वो हाल वही अजीब मतलब घर मतलब सोते में से उठ के मैं वहाँ गया था तो बैठक पे और वहाँ से फिर वहाँ पर चला गया वाह उजड़े हुए गंदी सी शर्ट पहनी हुई है चड्डी पहनी है दरवाज़ा खुला अंदर घुस खु� गया अंदर कोई शरीफ आदमी पैसे निकाल रहा था एटीएम से उसने मुझे देखा उसने कार्ड और पैसे ऐसे सामने कर दिए मेरे सॉरी यार <laughs> <laughs> और मैं पा <पारा> <laughs> <laughs> तो ये था अब आपने बिलावा जो उनकी अब मुझे क्या पता था उसके बाद वो पीर साहब से ने से कंफर्मेशन ली कि मेरे बारे में पूछे पीर साहब ने क्या कहा लाइक इसके जेन ये खुद जेन है उस में ऐसा मैंने प्राउड फील किया ना ब्रो चाई पीर बॉय

कि ये चल रहा ऊपर सारे दिल जले बैठे हुए थे मैं ब्रो आप 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 भी आप भी me, आप भी एक्सक्यूज ये जुले का प्यार करती है इसका नाम लिख के रख रहा था पे पत्थरों पर तुमने कुछ लिखा क्या लॉस है, Jones, yes. यार ये। है. Yes, सकता, कुछ हो, हो जाता आज हम कहा से कहा होते आज हम भी कान फिल्म फेस्टिवल में घूम रहे हो तो ये बताओ थ्री हॉरर मूवीज बताओ क्योंकि तो मेरा तो वैसे ही धंधा ही हॉरर का है थ्री हॉरर मूवीज तुमको लगता है किसी ने नहीं, नहीं देखी किसी ने नहीं, नहीं देखी हाँ हॉरर तो नहीं है बट लाइक दिस इज इरानियन मूवी इट्स नॉट हॉर इर इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड इट्स सुपर डार्क अच्छा उसकी ट्रांसलेस तो मिलेंगी नहीं बट लाइक शुड आई टेल यू लाइक दफ़ द स्टोरी नहीं ना ज्यादा खराब हो जाएगा बट डू वॉच इट होली स्पाइडर अपार्ट फ्रॉम दैट एज फॉर हॉर आई डोंट नथिंग एवर स्केट मी लग दैट एग्जॉर्स मैंने अकेले देखी थी सिनेमा में यू नो मेगा मॉल फिल रात को बारह बजे चला गया था अच्छा पहले तो मैं गया मैंने देखा कि एक्सोर्स लगी हुई है टिकट ले लिया और मैंने जो सिनेमा का दरवाजा खोला अंदर गुप अंधेरा कोई भी नहीं आई एम लाइक शिट ओके वापस गया ना दैट चेक फिलिपिनो को खड़े हुई उसको मैंने तो बोला क्या ना एक्सचेंज लग के ना गो फॉर डिफरेंट मूवी स्माइल्ड पिस्ट मे ऑफ वो लग गए ना चौंसठ पे लग गए अब मैं देखेगा पॉपकॉर्न खाएगा और देखेगा mm -hmm. अंदर गया पहले तो मूवी जब स्टार्ट हुई तो दरवाजे के पास बैठा जाता शरीफों की तरफ चल रहे हैं ट्रेलर ही वो मूवी स्टार्ट हो गई वह इन द मिडल आ, आगे जाता गया जाता गया जाता गया फिर मैं सेंटर में जाके बैठ गया सेंटर में बैठा हूँ वो लास्ट फाइव मिनट्स आ गए वो वंशी स्टार्ट करके शर्ट अब मैं घूम के पीछे देख रहा हूँ यार अब कोई आएगा बट लाइक आई एंडेड द होल फिल्म अकेले देखे हाँ देख पूरा हाँ, ख़त्म किया मूवी का

This was made back in 1995. I don't know if people have seen that. This is Robert De Niro. Robert De Niro. Okay. The freaking Frankenstein. Uh, the yeah. Robert De Niro Frankenstein. That's a good one. Mm. Apart from that, horror, 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 horror. I don't think there's any what about you? Tell me some name. Mira Which is me. like scary. A scary horror film. The willing. Witch. Watch the witch. हम्म hmm. वो जिसमें वो होता है ब्लैक फिलिप बकरे वाला वो वाला दैट्स अ वेरी ईयर स्टोरी मगर उन्होंने कुछ खास हिस्से से शो नहीं किया दिखाते कुछ नहीं है स्लो बर्न बट लाइक इट अफेक्ट्स यू और एक और एक ये हो गई विच हो गई आई डोंट आई वाज नेवर फैन ऑफ द ब्लेयरविच प्रोजेक्ट

ट्रीटमेंट करके निशान विशान लगा के दफलाना होता है तो उसमें जाके पता चलता जा है कि सर्टन बॉडीज विल बी पोजेस्ट oh, so cool. तो उसको एक अलग तरीके से करना होता है फिर आपके मेंटल और ये सारी चीज़ें भी होती हैं उसके ऊपर तो दट्सो इंटरेस्टिंग you know, like, तो हमारा जो, जो जमाना था आई मीन I mean, आजकल तो हॉरर है ही नहीं

वीडियोस बट देन आगे जाके मुझे टेन फिफ्टीन इयर्स बाद पता लगा इट्स ऑल स्टेज्ड ऑब्वियसली उस टाइम तो मासूम था ना ये ये ही तो गेम था ये उस जमाने में एवरीथिंग वाज रियल बट इट वाज ओह कैनेबल होलोकॉस्ट यस आई हूँ इट यू सी है नट यस कैनेबल होलोकॉस्ट भी अच्छी थी बट देन दे चलो ये भी सही है वोट द मोस्ट केयरियस थिंग दैट हैपेंड टू यू स्केरियस सीन रीसेंट रीसेंट तो इतना कुछ भी नहीं काम में बिजी काम में बिजी पता ही नहीं चलता आ, ये मसला है ना जनरली होता ही है ना कि आपके अटेंशन किसी चीज़ पे लगी हुई होती है आपको एहसास ही नहीं होता जैसे एक दोस्त थे एक बड़ा ख़तरनाक उनके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा था अगर नहीं करते तो पेनल्टी पड़ती तो बकौल उनके वो रात के चार बजे अकेले बैठे हुए थे ऑफिस में और ऑफ़िस में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी कुर्सियाँ घूम रही थी लेकिन पाँच पता नहीं क्या पचास मिलियन की पेनल्टी से बचने के लिए उसने बोला भाड़ में जाओ मुझे जो कर रहा हूँ मुझे करने दो <laughs> और फजर तक वो लगा रहा ये अपने काम करके और सारी चीज़ें निपटा के फिर वो घर गया फिर जो अगले दिन मिले तो उन्होंने बताया भाई ये होता है यहाँ रात में उन्होंने कहा अच्छा अच्छी बात है ठीक है स्टोरी फ्रॉम हंजा जो माउंटेनियर्स के साथ हुआ था नहीं तो वहाँ पे तो बहुत चीज़ें ना आई मीन हंजा इज फेमस फॉर दीज थिंग्स लाइक स्पेशली द माउंटेन पीक्स देर इज दिस एक तो ऑब्वियसली हमारा के टू है ऑल्सो कॉल्ड किलर माउंटेन हाँ वो एग्जैक्टली वो वाला के टू किलर माउंटेन जो है वाइज इट कॉल किलर माउंटेन के टू इज नेक्स्ट लेवल इसका तो कोई गर्स है नो वन कम्स बैक नहीं नहीं

हाँ टू दैट्स कर्म टू ओके इस तरह पता नहीं ग्यारह है शायद एंड एंड देन यू गो हिमालय देन एवरेस्ट ये सारी चीज़ें नाइस प्लेस तो वहाँ पे ये हुआ कि वो अपना खाना वाना बना रहे थे सारे पोर्टर्स वोटर्स टेंट लगा के ना तो बंदा कह रहा है वो चावल बना रहा था कह रहे मैं चावल बनाऊँ कहता अचानक सामने फॉरेस्ट है उसमें से एक लड़की निकल के आई इज़ लाइक अच्छा वो आई है अभी काना बन रहा है अभी थोड़ा इंतजार करो तो क्या है इसमें सो ही ओपन भाप निकली गर्मा गर्म चावल और बंदा कह रहा है कि कहती है हाँ मैं खा लूंगी उसको कहता है अच्छा थोड़ा वेट कर लो मैं देता हूँ उसने वेट वेट नहीं किया कह रहे सब में हाथ यू किया कहते हैं फिंगरगेटेड लाइक like, वोलवरीन वाला सीन हुआ और उसने यू कर अपना हाथ गर्म उसमें डाला ये करके शी अप द राइस पूरा क्लक करके मुंह में डाल लिया उसका खा के कहती हाँ मैंने खा लिया और घूम कर चली गई और ये सवान खड़े खड़े देखते देते बेहोश हो गए <laughs> ये तो लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं शॉक आई डोंट गेट इट भाई डिपेंड करता है वो कुछ वजूहत लोग कहते हैं इसलिए होती हैं क्योंकि आप ऐसी एंटिटी के साथ ब्रश करते हैं जो कि उसके इफेक्ट्स आप पे ऐसे आते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हैं आई फेल्ट वेट ऑन माई शोल्डर कहाँ पे वो यू आउटसाइड वो यू होम यस यू होम या इन अपार्टमेंट आई यूज टू लिव इन वहाँ पे वेट इतना शदीद था कंधों पे ऐसा लग रहा था कोई बोरियाँ रखी हुई हैं और सिमिलर चीज़ गोरख हिल में हुई थी कि वो वेट एक कंधे पे ऐसा आने लगा जैसे कोई आगे बैठ गया उस पर वो उसके चक्कर में गोलियां खानी पड़ेंगी जिसके चक्कर में सो गया अदरवाइज बर्दाश्त से बाहर था और कोई रीज़न नहीं था ये हुआ कुछ लोगों को इसके आफ्टर इफेक्ट्स मतलब मतलब ये वेट वाला चीज़ थी लेकिन जैसे ही उस जगह को छोड़ा था ना तो वो सही हो गया था तो सिमिलरली कुछ लोगों को बुखार हो जाता है ब्रशिंग विद समथिंग लाइक दिस ना उसके ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से जो कि आप इज़ नॉट मेंट टू बी ट तो ये इस तरह के लेकिन उनका आपके थ्रू या टच करने वाली चीज में इफेक्ट होती है जैसे कि एक स्टोरी आ, एक जानने वाली की थी कि उसकी बेटी इस्लामाबाद में ही शिफ्ट हुआ था और आ, उसका ये था कि कोई मतलब साफ सुथरा घर था लेकिन वो थोड़े से उस तरह के आदमी थे कि एक एक कैबिनेट खोलो अंदर धो उसको और सब कुछ सर्वेंट क्वार्टर के अंदर एक दो छत्ती बनी हुई थी तो उसकी जब नज़र उसकी पड़ी क्योंकि वो पूरा सर्वेंट क्वार्टर भी साफ करवा चुके उसने बोला इसको भी खोलो अब वो खोला अब एक तो खुल नहीं रहा था ओ बड़ी दो बंदों ने तीन बंदों ने जान लगा के बड़ी तरीके से उसको खोला जो खुल ही नहीं रहा कैबिनेट और फिर वो बड़ी मुश्किलों से खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था थोड़ी सी मट्टी जमा हुई हुई थी उन्होंने फ़ौरन पानी वानी डाल के वो सारा साफ़ ऑफ़ करा दिया इस दिन के बाद से उसकी बेटी थी कोई पाँच छः साल की अब एक तो उसने घर में लोगों खेलना शुरू कर दिया ख़ुद से पहले तो वो मामा के साथ खेलती थी अब वो अलग से खेलने लग गई फिर अपेरेंट बच्चे जो कि, कि वो इमेजिनरी फ्रेंड समझे जा रहे थे लेकिन होता ही था हर तीसरे चौथे या पाँचवें दिन उसको बुखार चढ़ जाता था फिर अस्पताल ले जाना पड़ता था उसको मतलब पूरा प्रोसेस होता था उसको बुखार नॉर्मल करने के लिए ये सब कुछ होता था अलग अलग लोगों के पास गए इन्फेक्शन ये वो हर चीज़ उस दिखाई उसकी मतलब ये क्यों होता है बार बार बुखार और छोटी बच्ची है छोटी बच्ची को बार बार बुखार होना इज नॉट गुड फॉर हर हेल्थ एंड ये ग्रोइंग स्टेज है अब वो हर एक हफ्ते के बाद फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही इवेंचुअली बंदा फ्रस्ट्रेटेड हर हॉस्पिटल ले जाके हर डॉक्टर को दिखा दिया पीडियाट्रिशियन ये वो सब कर करा के हुँ, कोई हुँ. सलूशन ही नहीं हुआ और बाहर कुछ दस दिन पंद्रह दिन हो ही नहीं फिर बुखार हो जाए फिर वो उसको इतना हाई टेम्परेचर वो हॉस्पिटल ले जाए फाइव और सिक्स इयर फाइव अब वो कहते हैं जी उनको इन्हीं चक्करों में किसी नौकर शौकर ने किसी ने कहा कि इस पर दम कराते हैं आप इन्होंने बोला भाई ये कुछ नहीं होता ये वो लेकिन जब कंटिन्यूसली ये होता रहा तो द मदर ने भी कहा कि जब वो कह रहा है तो करा के देख लेते हैं इसमें क्या सी बुरी बात है तो किसी मौलवी साहब को लाए और उन्हें दमवम किया तो उन्होंने इनसे पूछा कि कोई बंद जगह थी जो आपने खोली है तो उसने बोला कि क्या मतलब कोई जगह थी जो बंद हुई हुई थी वो आपने शायद खोली है ज़बरदस्ती तो इनको तो नहीं समझ में आया वो नौकर जो तो उनका जो था उसने इनको रिकॉल कराया कि एक दो छत्ती थी जो खुल नहीं रही थी हमने ज़बरदस्ती खोली थी तो पता ये चला कि उस दो छत्ती के अंदर कोई जिनकी फैमिली रहती थी और उनको वहाँ एक तरीके से बंद किया हुआ था मतलब वह अपने रह रहे थे आराम से वो उनकी जगह थी वो वहाँ रहते थे जिनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था इनके खोलने के चक्कर में जो उसके बच्चे थे जिनके वो बाहर बार निकल के घूमना शुरू हो चुके थे तो वो अक्सर इनकी बेटी के साथ खेलते थे और बेटी के साथ खेलने के चक्कर में वो बुखार एक साइड इफेक्ट था जो उसको हो जाता था अब वो छोटी थी इतनी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि वो क्या कर रही है किसके साथ खेल रही है पेरेंट्स को समझ में नहीं आता था वो करके आ रही वो अकेले कहीं ना कहीं लगी रहती थी तो वो रीज़निंग ये दी गई थी कि ये वजह है तो मैंने कहा इसका हल क्या है क्या जो पिछले वाने नहीं गया था पता नहीं कुछ कर करा के वापस उस दो छत्ती को बंद कर दिया तो वो जो बच्चे थे या जो भी सिलसिला था वो अंदर वापस चला गया और वो अपना अंदर रहना शुरू हो गए दोबारा मतलब फिर वो टहलना कूदना जो हो रहा था वो बंद हो गया उसके बाद बच्ची ठीक हो गई अच्छा सेट हो गया ना कुछ ना वो हर हफ्ते बुखार वाला सेटअप खत्म सब ठीक हो गया तो ये एक चीज़ तो मैंने सुनी और देखी मतलब जानने वाले हैं बड़े अच्छे फॉर इंस्टेंस एक तो होता है डिमोनिकोजिशन ठीक है एक होता है जिन सो लाइक फॉर इंस्टेंस लाइक वेस्टर्न बिलीफ तो यही है ना कि डीमन होते हैं ये hmm. होता है वो होता है अब जैसे यू रिमेंबर कर, करामा hmm. करामा में स्टोरी थी बैक एंड आई थिंक वॉज लाइक नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स तो वहाँ पर एक फ्लैट था uh -huh. वहाँ पर एक पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था hmm. तो उसका वो कहते हैं कि वहाँ पे हु एवर वेंट टू दैट फ्लैट उनको कोने को कोई चीज़ देखी रो फॉर इंस्टेंस फैमिली के वो बैठे हुए थे और सामने से जैसे टी देख रहे हैं ना तो क्योंकि दो चेयर्स आके यूँ सामने आ जाएंगे और उस पर दो लोग बैठ कर उनको देख रहे होंगे ये इस तरह के सीन्स के शो तो यहाँ चल रहा है हाँ तो तो उसके बाद फ्रिज खोल लिया तो फ्रिज के अंदर ब्लड है और जैसे वो एक आंटी काम कर रही पता नहीं क्या स्टोरी उस फ्लैट की मैं ये है कि

दुबई में इस तरह की कहानियाँ होती नहीं है सुपर सेफ ये तो खैर डिपेंड करता है हाँ वैसे ये भी है दुबई भी बहुत लोग सुनाते हैं कहानियाँ शारजा के घरों की इधर उधर दस जगह हैं शारजा तो अपना हुड हुड हाँ तो हर जगह की स्टोरियाँ होती हैं एवरी कंट्री इन दर्ल्ड नहीं वैसे मुझे पूछना चाहिए था like to, अभी, हाँ। तो वहाँ पे वो

उसमें कोई बात नहीं है तो चलो ये तो हो गई आज की पॉडकास्ट विच इज बाय द वे सम आई एम ट्राइंग एंड दिस वाज समथिंग न्यू विद दिस गाय तो आया अगली दफा क्योंकि और आया जो अगली दफा आएगा वो सामने बैठा है और वो दिल में सोच रहा होगा मुझे उसने <laughs> बंदे ने ख्वार करा दिया है बिठा के रख के लेकिन बाहर ऐसा ऐसे कामों में होता है तो नहीं ये दान्याल शहजाद साहब थे इनका आप इंस्टाग्राम पेज देखें काफ़ी काम के आदमी हैं अगर कुछ करें वैसे तो हर आदमी काम का होता है अगर कुछ करने वाला हो ना करे तो मैं कुछ नहीं कह सकता और अजरबैजान वगैरह सब घूमते रहते हैं लेकिन वो एक मसला है इन, इनका अभी तक हल नहीं हुआ कि वो जो काका से पे पत्थर था ना उस पर किसका, किसका नाम किसी का नाम नहीं लिखा मैंने तो कोई बात नहीं मैं अभी तुम्हारे साथ ही हूँ हो जाएगा हो जाएगा उसका मसला नहीं बट यसू चेक आउटैक्टलीस अवार्ड भी बहुत तो की है भाई साहब नेम आउट अपनी स्टोरियाँ भेजते रहे सब कुछ भेजते रहें अगली दफ़ा इसको और इनोवेट करते हैं एंड आई एम ट्राइंग दिस आउट दिस इज समिंग न्यू फॉर मी टू लेट सी हाउ दिस इवॉल्व एंड आई एम डॉक्टर सलंगी एज यू नो ऑफ जिन कास्ट फेम This is Daniel. And I'll see you next time. Allah hafiz. Allah hafiz.